नहीं नहीं नहीं, एक कूलर आप अपने घर के लिए मत लीजिएगा, कभी नहीं लीजिएगा। इस कूलर को बढ़ाई सब यूट्यूबर बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है इस कूलर में खास। इस कूलर का खास बात यह है कि आप ऐसे करके, इतना छोटा इसका मुंह है दहाई, आप इसे मुंह में हवा लीजिएगा तो पैर में हवा नहीं लगता। कल इसको रात भर हम चलाए हैं, हमारे रूम से मच्छर तक नहीं भागा, बस एक इतना पड़ता साइज में हमारे रूम तक हवा दवाल में टकरा रहा है। इतना कुछ खाली ठंडा है और पूरा रूम गर्म है गाइस, ये इतना मच्छर रूम में था, हाथ देने फैला रहे, देखते सोच रहे हैं ऐसे हो रहा है, लेने वाला हथवा में मच्छर काटता है जो पसीना आ रहा है। तो क्या फायदा है ऐसा कूलर को लेने का, क्या 8500 का कूलर है क्या, वैल्यू फॉर मनी है इससे, तो आप अदर कंपनी में जा सकते हैं। एक लगभग 10,000 का सिम्फोनी का सिस्टा आता है, वो आप ले सकते हैं, वो वैल्यू फॉर मनी है। इस दुकान के लिए अच्छा नहीं बोलेंगे क्या, ऐसे मुंह में हवा लग रहा है तो पैर में नहीं लग रहा, पैर में हवा लग रहा तो मुंह में ना, ऐसे बैठेंगे ऐसे ऐसे लटक के बैठेंगे, इसलिए बोलते हैं गाइस इसको नहीं ले। हम आपको इसको चला के दिखाते हैं कैसा, ऊपर से आवाज भी बहुत करता है नॉर्मल कूलर से गाइस। देखिए गाइस मुंह में हवा लग रहा है लेकिन पैर में ना लग रहा है, क्या मतलब है? ऐसे नहीं तो बार बार हम रतिया में ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे क्या मजाक है। और पहले बात तो इनाम लगी रिमोट कंट्रोल दिया है, सुतल में कोई रिमोट से चलाएगा, पहले तो गाइस एक बार आपसे गलती से कुछ दबा जाता है, गलती से कुछ भी दबा जाता है गाइस, नाम लगी दिया है ना। दिल्ली रहेंगे तो दिल्ली से इसको चलाएंगे, रूम में है सुतल इतना थक गया है कि कूलर को हम नहीं चालू कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ लीजिएगा सर लोग, इसलिए तो हमें तो ज्यादा दिक्कत हुआ क्योंकि कूलर लिए थे सोनू इंटरप्राइज से, तो भैया अच्छे थे, उन्होंने अपना कष्ट बताया तो उन्होंने इसके बदले एक अच्छा कूलर हमें दिया, इसे रिटर्न ले लिया। तो आप लोग भी सोच समझ लीजिए और यूट्यूबर के चक्कर में ना रहिए, सच्चाई तो कोई बताता नहीं है। ठीक है गाइस, नमस्ते गाइस।